हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान की। विज्ञान में हम लोगों ने प्यारे बच्चों प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज की टॉपिक रहने वाली है प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। और आज की क्लास के बाद आपकी ये जो चैप्टर है वो साइंस जो विज्ञान में जो प्रकाश से रिलेटेड चैप्टर था वो समाप्त हो जाएगा। हम सेकेंड यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। सेकेंड यूनिट है विद्युत धारा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि अभी तक जितनी क्लासेस आई हैं सारी क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। आज की भी क्लासेस बेहतरीन और अच्छे से आपको समझाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। गाइस तो अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। ये आपका वायुमंडल है जो आपके पृथ्वी के ऊपर एक वायु का एक प्रकार का पूरा वायु से भरा हुआ एक मंडल होता है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में छोटे 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 कई प्रकार के जो धूल कण उपस्थित होते हैं, अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, तमाम प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। अब देखिएगा ये सूरज हो गया, ये सूरज हो गई भैया। अब क्या होता है कि सूरज यानी ये से आने वाला जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है जब वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है प्यारे बच्चों? वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो अजीब सी एक बात होती है। देखो जब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। कहां प्रवेश करेंगी प्यारे बच्चों? जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से क्या होती है, टकरा जाती है। टकराने के बाद जैसे ही वायुमंडल के धूल कणों से टकराती है, टकराने के पश्चात वो जो चारों दिशाओं में जो प्रकाश किरणें वो चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों देखो जैसे ये वाली प्रकाश किरण इस धूल कण से टकराई और धूल कण से टकराने के पश्चात ये इस प्रकार क्या हो गई, दो तीन दिशाओं में क्या हो गई, फैल गई प्यारे बच्चों। ये हो गई इस प्रकार, ये वाली प्रकाश किरण जब धूल कणों से टकराई थी इस इधर फैल गई, ये वाली टकराई थी इधर फैल गई, इधर टकराई तो इधर फैल गई, और ये वाली टकराई तो ये वाली इस प्रकार फैल गई प्यारे बच्चों, ऐसे इधर की तरफ। यानी जितनी प्रकाश किरणें हैं सब जब वायुमंडल के धूल कणों से टकराती हैं तो ये चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, चारों दिशाओं में विसरित हो जाती है प्यारे बच्चों। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या किसे कहते हैं, एक बार फिर से। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जब वायुमंडल में क्या करती हैं, इंटरसेप्ट करती है, मतलब भैया जाती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित ये जो धूल कण होते हैं वायुमंडल में, ये जो छोटे 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 नन्हे मुन्ने से बाबू जैसा कण नहीं दिखाई पड़ रहे, इन कणों से क्या होती है, प्रकाश किरणें टकरा जाती है, लड़ जाती है। और जब प्रकाश किरणें टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वो प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में क्या हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और सर्वप्रथम इसे कौन बताया था, रैले नामक एक वैज्ञानिक थे जिनका जिनको हम लोग लॉर्ड रैले नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? लॉर्ड रैले। ये जो है इसके उपलक्ष्य में एक अपना नियम भी दिए हैं प्यारे बच्चों। अभी जरा सा कुछ देर के बाद हम इनके नियम की जरूर चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं अच्छे तरीके से कि प्रकाश का प्रकीर्णन अगर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर जी आज के बाद प्रकाश का प्रकीर्णन कभी भूलने वाले नहीं है। चलिए अगर हम समझे हैं तो इसको लिख भी लेते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रकाश का जो प्रकीर्णन हम लोगों ने समझा वो सारा जो परिभाषा है वो आपको बगल स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक,
अब हम चर्चा करेंगे लॉर्ड रैले का नियम। रैले के नियम को स्टार्ट करने से पहले क्या आपने वो नोट कर लिया है? ठीक, अगर आपने नोट कर लिया है तो आइए रैले के नियम को स्टार्ट करते हैं। भैया रैले ने क्या बताया? जब ये चीज पता चल गई कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराती हैं, टकराने के पश्चात वो चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। तो भैया लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि आखिर सूर्य में तो सात रंग की प्रकाश किरणें पाई जाती है, तो आप बताइए कि कौन ज्यादा फैलेगा कौन कम फैलेगा, इस बात का प्रश्न उठने लगा। तो इसी बात को जवाब देने के लिए लॉर्ड रैले ने बता डाला कि भैया जो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही रैले ने बताया कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा रहे कम रहेगा, सॉरी रैले ने क्या बताया कि जिस प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम रहेगा वो उतना ज्यादा प्रकीर्णित होंगी, यही रैले ने बताया था। आइए सबसे पहले लॉर्ड रैले का जो नियम था वो जरा सा समझ ले तब बताएं। ने बताया प्यारे बच्चों कि प्रकाश के जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है, जब कोई प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो जो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रकीर्णन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के। रैले ने केवल प्यारे बच्चों यही बताया था, यानी उनके कहने के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जिसका तरंग दैर्घ्य जितना कम रहेगा उसका प्रकीर्णन उतना चार घात के बराबर होगा, यही रैले ने बता के गए थे। तो रैले का ये नियम जो है, रैले ने ये अपना नियम दिया, उन्होंने बताया अपने नियम से क्या बताया भैया कि जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडल में क्या करती है प्रवेश करती है तो प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है, तो प्रकाश के जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, यही है लॉर्ड रैले का नियम। अब यहां से ये बात पता चला कि जो लाल रंग होता है उनका प्रकीर्णन कम होता है क्योंकि उनका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो ये नोट पॉइंट में हम लोग यहां लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और अगली पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, चलिए ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से प्यारे बच्चों, शुरू से शुरुआत करते हैं और अंत तक एकदम सुपर फास्ट में समझते हुए चल देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है प्यारे बच्चों? जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में छोटे 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 धूलकण होते हैं, इन धूलकणों से टकराती हैं और टकराने के पश्चात वो चारों दिशाओं में विसरित हो जाती है, तो भैया इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी अगर हम एक लाइन की बात करें, जब जो प्रकाश किरणें हैं प्रकाश किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों से टकराकर चारों दिशाओं में विसरित हो जाना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एक बार फिर से, वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों से टकराकर प्रकाश किरणों का चारों दिशाओं में फैलना ही प्रकीर्णन कहलाता है। अब जो प्रकीर्णन है उसके लिए रैले ने अपना एक नियम दिया था, उनके नियम के अनुसार, लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार प्रकाश के प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात
प्रक्रियन प्रोपोर्शनल होता है 1/λ^4। और उसके बाद वहां से इस बात का पता चला कि जो लाल रंग होता है उनका प्रक्रियन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रक्रियन सबसे अधिक होता है। प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इस पे आधारित अच्छे अच्छे घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि एग्जाम में आपके 4 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए उम्मीद है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम इसको मूव करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं की। उनमें से यहां पर हाई स्कूल के सिलेबस में आपको 3 घटनाओं का अध्ययन करना है। एक है टिंडल प्रभाव, एक है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और एक सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है। पहले बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं टिंडल प्रभाव, फिर उसके बाद समझेंगे स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, फिर उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्या होता है। प्यारे बच्चों ये सभी चीजें इन्हीं पे आधारित है, प्रकीर्णन पर ही आधारित होती है, परंतु आपको समझना होगा कैसे होता है। आइए अब टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव ये होता है कि जब आप कोई कोलाइडी विलयन ले लीजिए, जब कोई कोलाइडी विलयन ले लीजिए या कोलाइडी विलयन की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर हम कोलाइडी विलयन की बात करते हैं तो आप हाई स्कूल में है तो इतना तो पता होगा कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं, पता होगा ना। या इसको दूसरे वर्ड में हम बात करें विषमांगी मिश्रण, क्या विषमांगीय मिश्रण, ये है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए जरा सा, अब हम समझते हैं जरा सा कि कोलाइडी विलयन और विषमांगी मिश्रण आपको आ रहा है नहीं आ रहा। कोलाइडी विलयन या विषमांगी मिश्रण की बात करें तो दो पदार्थों का वह मिश्रण जिनको हम लोग बाद में अलग अलग या जिनके जिनमें उपस्थित कणों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अलग अलग किया जा सकता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब आप कहेंगे सर जी एक आपको एग्जाम्पल बता दीजिए, तो अगर आपके मन में ये प्रश्न हो रहा चल रहा होगा कि चीनी और पानी को मिला दें, तो प्यारे बच्चों चीनी और पानी को मिलाओगे तो विषमांगी मिश्रण होगा, परंतु कब तक, जब तक चीनी पूर्ण रूप से घुला नहीं है। अगर चीनी पानी में घुल जाएगा तो दोबारा आप चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो वो विषमांगी मिश्रण नहीं होगा। अगर हम बात कर ले वही एक थोड़ा सा छोटा सा धूल ले ले और धूल को जो है पानी में मिला दे तो धूल और पानी के कणों को हम लोग बाद में अलग अलग कर सकते हैं। आप देखिए धूल के कणों को पानी में मिला दीजिए या बालू के कण को पानी में मिला दीजिए, तो पानी को रख दीजिए थोड़ी देर तक, तो जब पानी शांत हो जाता तो बालू नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो बालू के कण अलग हो जाते हैं और जो है आपके जो धूल के कण पानी होता है वो अलग हो जाता है। गंदा पानी ले लिया जाए, मटमैला पानी ले लिया जाए, तो ये सब क्या है, ये सब विषमांगी मिश्रण है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो भैया ध्यान से देखिएगा, अब जब हम कोई जो जब जब भी जब कोई प्रकाश किरण जब इन सभी से गुजरता है, चाहे कोलाइडी विलयन से गुजरे चाहे विषमांगी मिश्रण से गुजरे, जैसे हमने कहा कि अगर अगर हमने एक ट्यूब में विषमांगी मिश्रण लिया है, ये जो है जल के कण हो गए, ये जो है इसमें क्या हो गए प्यारे बच्चों, जल के कण हो गए, और इसमें उपस्थित कुछ धूल के कण भी हो गए, जैसे ये उपस्थित क्या हो गए, धूल के कण हो गए, ये उपस्थित क्या हो गए, धूल के कण भी हो गए बहुत सारे। अब ध्यान से देखिएगा ये कौन सा मिश्रण है, ये है विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण है, विषमांगीय मिश्रण है। ध्यान से देखिएगा ये कौन सा मिश्रण है भैया, विषमांगीय मिश्रण। अब जब प्रकाश किरणें विषमांगी मिश्रण से होकर गुजरती हैं, जब प्रकाश किरणें जो है विषमांगी मिश्रण से होकर गुजरती है तो वो क्या होती है, जैसे ही वो विषमांगी मिश्रण में प्रवेश करती है तो ये चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, ये चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन या विषमांगी मिश्रण से होकर गुजरता है तो वह
उसी मिश्रण में उपस्थित धूल कणों से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? जी समझ में आना चाहिए। तो अब ये जो टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव की जो परिभाषा है वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा और साथ साथ में उसका एक अच्छा सा चित्र भी दिखाई पड़ रहा होगा कि वहां पर टिंडल प्रभाव कैसे होता है। तो वो आप देखकर वहां से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव इस प्रकार होता है और परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं भाई, कोई स्वच्छ आकाश है, स्वच्छ आकाश को तो आप लोग जानते ही होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि इसको हमको बताना पड़े। स्वच्छ आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग प्रश्न है। का रंग तो ठीक है, बहुत प्यारा होता है स्वच्छ आकाश का रंग, आखिर ये प्यारा कौन सा है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है, ये प्रश्न है। नीला क्यों होता है? जब जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वायुमंडल के उपस्थित धूल कणों में प्रवेश करती हैं, तो धूल कणों से टकरा कर वो क्या हो जाती हैं, प्रकीर्णित हो जाती हैं। आप ऐसा समझो कि ये हो गया हम लोगों के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर, या ये आकाश हो गया, आसमान हो गया। अभी ये स्वच्छ आकाश की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आइए थोड़ा सा अगर हम चित्र के माध्यम से समझे तो और बढ़िया आपको समझ में आएगा। ये आकाश हो गए ठीक। अब क्या होता है कि जब सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती हैं, सूरज बाबू जो होते हैं, अब ये क्या करते हैं इसे समझो कि इनसे प्रकाश किरणें निकलती है, ये हमेशा प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकालते रहते हैं ठीक। चलो कोई बात नहीं भैया, इनसे जो प्रकाश किरणें निकलेंगी तो ये आकाश में प्रवेश करेंगी, वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। ये रहा भैया वायुमंडल ठीक। अब क्या होगा कि वायुमंडल में तमाम प्रकार के धूल कण भी उपस्थित होंगे, तमाम प्रकार की गैसें भी उपस्थित होंगी, और कुछ ऐसी कण होंगे जो कि वहां पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि वायुमंडल आपका कई प्रकार के गैसों से मिलकर ही बना होता है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये तमाम प्रकार के गैस कण उपस्थित हो गए। अब क्या होगा जब सूर्य की प्रकाश किरणें, जब सूर्य की प्रकाश किरणें चलते हुए वायुमंडल में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। सूर्य की प्रकाश किरणें चलते हुए वायुमंडल में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। तो वायुमंडल में उपस्थित ये जो धूल कण हैं इनसे ये टकराएंगी, और टकराने के पश्चात ये सभी प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों चारों दिशाओं में विसरित हो जाएंगी। ये सभी प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में विसरित हो जाएंगी। एक होते हैं बैगनी बाबू, क्या होते हैं, एक बैगनी बाबू होते हैं और एक खुला वो नीला बाबू होते हैं, नीला जिसे आप नीला कहते हैं ना, एक नीला होता है। ये दोनों ऐसे बेचारे होते हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रक्रीड़ित होते हैं, सबसे ज्यादा बैगनी होता है फिर नीला होता है, समझिए जरा सब। सात रंगों में से सबसे ज्यादा यही रंग प्रकीर्णित होते हैं, यही सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो अब क्या होगा जब सूर्य की प्रकाश किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराएंगी तो सारी प्रकाश किरणें चारों दिशाओं में फैल जाएंगी, परंतु जो बैगनी और नीला रंग होता है ये सभी रंगों की तुलना में बहुत ज्यादा फैलता है। इसको फैलने में क्यों क्यों ज्यादा फैलता है, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती, इसीलिए ये जो बैगनी और नीले होते हैं बेचारे ये सबसे ज्यादा फैल जाते हैं। अब बताओ जब ये सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होंगे, सबसे ज्यादा फैलेंगे, तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? अब आपका प्रश्न उठ रहा होगा, सर जी बैगनी रंग तो सबसे ज्यादा है तो आकाश का रंग बैगनी होना चाहिए ना। भैया बैगनी होता है, परंतु नीला रंग बैगनी रंग के तुलना में अधिक सुग्राही होता है आपकी आंखों के लिए, इसलिए आकाश का रंग आपको क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। अगर मैं बात कर लूं एक नीला का टुकड़ा ले ले और एक बैगनी का टुकड़ा ले ले, तो आप देखेंगे नीला रंग आपको अधिक अच्छा दिखाई, नीला रंग आपको आपकी आंखों से अधिक स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और बैगनी रंग की तुलना में। क्या अब भी आपकी डाउट है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, लाल
पीला, हरा, ग्रीन, येलो सबके पसंदीदा रंग क्यों नहीं होता है? भैया प्यारे बच्चों, ऐसा कोई बात नहीं है, एक बार फिर से देख लो यारो, सूर्य की प्रकाश किरणें क्या बोल रहे हैं? सूर्य की प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। अब ये चाहे जैसे प्रवेश कर ले भैया, परंतु जब वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो वायुमंडल में कुछ ऐसे दूत बैठाए हैं कि उनसे टकराएंगे। दूत मतलब भैया धूलकण, धूलकण वायु गैस के कण तमाम प्रकार के है ना, तो इन कणों से टकराती हैं। टकराने के पश्चात ये चारों दिशाओं में विसरित हो जाती है, परंतु जो बैगनी और नीला होता है वो चालाक और चतुर होता है, वो सबसे ज्यादा विसरित हो जाता। अरे भाई क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा विसरित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं, विसरित तो हो गए, जिस कारण बैगनी और नीला ज्यादा फैले हैं, तो बताओ कौन आकाश का रंग कैसा होगा? बैगनी होना चाहिए था, परंतु बैगनी क्यों नहीं हुआ? भैया वास्तव में बैगनी ही रंग होता है, परंतु नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला बैगनी रंग की तुलना में हमारे आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है। क्या अब कहीं दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर अब भी डाउट होगा ना, तो प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट इत्तु सा छोड़ दीजिएगा, बस बाकी समाधान हम लोग कर लेंगे। तो गाइज हम बात करेंगे आज, अब इस समय बात करने वाले प्यारे बच्चों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? जब हम लोग छोटे थे तो तभी से ये सोच रहे होंगे कि आखिर सूर्योदय होता है और जब सूर्यास्त होता है यानी सुबह और शाम के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? तो आज उन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको देने आए हैं प्यारे बच्चों, और आप उसे लीजिए। आज आपको पता चल जाएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, और साथ साथ में दोपहर में सूर्य सफेद क्यों हो जाता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और आज ये क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी माता है और जिसपे ये खड़ा हुआ कोई एक चुन्नू है। चुन्नू मतलब कोई आदमी है, ठीक, ऐसा नहीं चुन्नू किसी का नाम है, ये एक छोटा छोटा सा व्यक्ति है, प्रेक्षक इसे हम कह सकते हैं, प्रेक्षक क्या कह सकते हैं, प्रेक्षक। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इस चुन्नू का नाम क्या रखा जाए, ठीक, सभी लोग बताइएगा इस चुन्नू का नाम क्या रखिए, ये चुन्नू कौन था यहां पर, हु आर इज चुन्नू। अब देखिए, करें जो सूर्योदय का समय है, दोपहर का समय है, सूर्यास्त का समय है। हमने समझने के लिए मान लेते हैं कि ये सूर्य की एक प्रकाश समूह है और ये भी एक प्रकाश पुंज है, ये भी प्रकाश पुंज है, ध्यान से समझिएगा। जब सूर्योदय होता है अर्थात सूर्य का उदय होता है, तो सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें होती है, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है उनको क्षैतिज दूरी अधिक तय करना पड़ता है। ये देखिए, यहां से लेके यहां तक पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य की प्रकाश किरणें सूर्योदय के समय, भैया एक बार फिर से सुन लो, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए क्षैतिज दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। क्या ये बात आप मान रहे हो? बिल्कुल मान लो, देख लो, सूर्योदय के समय प्रकाश किरणों को यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करनी पड़ रही है, सूर्यास्त के समय भी वही सेम टू सेम दूरी तय करना पड़ता है, जितना सूर्योदय में दूरी तय करना पड़ता है और उतना सूर्यास्त में भी दूरी तय करना पड़ता है। परंतु जब दोपहर का समय आता है तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणों को ये जो दूरी है पृथ्वी पे पहुंचने के लिए जो दूरी होती है वो कम तय करनी पड़ती है। ये बात आप मान रहे हैं? ये देखिए, चित्र के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि भैया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, दोपहर में दोपहर के समय पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? मान लीजिए प्यारे बच्चों, अब इतनी बात अगर समझ में आई होगी तो अब सोचिए जरा सा, जब सूर्य की प्रकाश किरणें निकलती है तो ये वायुमंडल है,
वायुमंडल में उपस्थित धूल कण होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये वायुमंडल के धूल कणों से जब ये प्रकाश किरणें टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ये चारों दिशाओं में विसरित हो जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की बात हो रही है अभी। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब प्रकाश किरणें पृथ्वी पे आने लगती है तो वायुमंडल के जो धूल कण होते हैं उनसे प्रकाश किरणें टकराती है और टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती है, फैल जाती। अब सोचिए, परंतु परंतु भैया लाल रंग एक ऐसा रंग होता है, लाल रंग एक ऐसा रंग होता है प्यारे बच्चों जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात वो बहुत कम ही ज्यादा प्रकीर्णित होता है। अब ये क्या होता है, अब जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण यही जो केवल एक ऐसा इकलौता एक ऐसा रंग होता है जो कि आपके पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्य सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का दिखाई पड़ता है। प्यारे बच्चों क्या बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं भैया, ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों, बाबू ध्यान से समझो बात क्या है। देखो, जब सूर्योदय हुआ तो सूर्योदय के समय सूर्य से सात रंग की प्रकाश किरणें निकली। अब वो सातों प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश की, वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात सभी प्रकाश किरणें प्रकीर्णित हो गई, क्योंकि ज्यादा दूरी तय करना पड़ रहा था। परंतु लाल रंग एक ऐसा प्रकाश किरण था जो कि कम प्रकीर्णित होता था, वो जो है पृथ्वी पे पहुंचा, आपके पास पहुंचा, जिसके कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग क्या होता है भैया, लाल होता है। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों। अब हम प्रश्न उठाते हैं कि दोपहर के समय, दोपहर के समय सूर्य का जो रंग होता है वो सफेद क्यों होता है, क्वेश्चन ये उठा प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझ लो भैया सफेद क्यों होता है। ये बात हुई, जब सूर्य दोपहर के समय, जब दोपहर के समय सूर्य हम लोगों का सर के ऊपर हो जाता है, बिल्कुल एकदम ऊपर हो जाता है, जब पृथ्वी के एकदम पृथ्वी पे खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर सूर्य हो जाता है तो दोपहर की स्थिति होती है। दोपहर के समय सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणों को पृथ्वी पे पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। कौन सी दूरी भैया, कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सभी प्रकाश किरणें पृथ्वी पे आ पहुंचती है, सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं पृथ्वी पे आ जाती हैं, और जिस कारण आपको सभी प्रकाश किरणें थोड़ी 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 मिली हुई दिखाई पड़ती हैं, इसी कारण जो सूर्य का रंग दोपहर में क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से हम समझाना चाह रहे हैं कि सूर्य का रंग दोपहर में सफेद क्यों होता है, क्योंकि सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश किरणें होती है दोपहर के समय, उनको पृथ्वी पे पहुंचने के लिए कम दूरी तय करना पड़ता है, जिसके कारण सभी प्रकाश किरणें पृथ्वी पे आ जाती हैं, और इसी कारण जो सूर्य का रंग होता है वो सफेद दिखाई पड़ने लगता है। आपकी जो आंखें हैं वो सारी रंगों को देख पाती है, इसीलिए सूर्य का रंग उस समय क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से, हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, प्रश्न पूछेगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है, चार नंबर का क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा फुल कि आपको इतना एग्जाम में लिख के आना, ये चित्र बनाइएगा, चित्र बनाने के बाद आप लिखेंगे, वहां पर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, या तो प्यारे बच्चों हम बोल रहे हैं उसको जरा सा सुन लीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है उनको क्षैतिज दूरी अधिक तय करना पड़ता है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए क्षैतिज दूरी अधिक तय करना पड़ता है, जिसके कारण सभी प्रकाश किरणें प्रकीर्णित होकर पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती हैं, केवल लाल रंग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल हो जाता है। परंतु दोपहर में क्या होता है कि दोपहर में सूर्य हमारे काफी नजदीक हो जाता है, पृथ्वी से काफी नजदीक हो जाता है, जिसके कारण सूर्य से सभी निकलने वाली सभी प्रकाश किरणें धरती पे आ पहुंचती हैं, इसलिए सूर्य का रंग क्या होता है, सफेद दिखाई पड़ता है। तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, परंतु ये बात मत भूलिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इस चुन्नू कौन है, ये चुन्नू ठीक।
आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों। वीडियो में कहीं भी आज की लेक्चर में कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। और इसी लेक्चर के साथ प्रकाश की जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप प्रकाश से जितना क्वेश्चन पूछेगा आपको सारे प्रश्न इसी के अंदर आने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे विद्युत के बारे में। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है विद्युत, तो विद्युत की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। उस तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।